हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल गांव। मैं आपका दोस्त चिकू, आज मैं नए वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पे अभी जा रहा हूँ बारी में। गाइस, बारी उसे बोलते हैं जहाँ पे सब्जी को उगाया जाता है, जहाँ पे सब्जी फरता है। तो ये साइड में है गाइस, ये धान का फसल है। तो धान के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और गाइस, ये देख सकते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं आप बता सकते हैं गाइस? कमेंट कीजिए, पहले आप वीडियो रोक करके कमेंट कीजिए और फिर मैं बता देता हूँ। इसे बोलते हैं हल गाइज, जो कि खेत में जोतने के लिए उपयोग होता है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा है, जो कि पहले के ज़माना में यूज किया जाता था। तो अब तो ट्रैक्टर का ज़माना हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, इसके वजह से अब इसका यूज नहीं होता। तो यहाँ पर रखा हुआ है, और इधर पर है गाइज धान का फसल। तो देख सकते हैं गाइज, मैं आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ। यहाँ से कुछ दूर पे ही मेरा बारी है गाइज। बारी मतलब मैंने बताया कि सब्जी का, जहाँ पे सब्जी को उगाया जाता है। तो मैं दिखाता हूँ, इधर पे गाइज नदी है, इस नदी में ही पानी आया हुआ था उतना ज़्यादा गाइज। मैंने पिछले वीडियो में देखे होंगे आप, तो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखिएगा तो पता लगेगा कि इसमें कितना ज़्यादा पानी था। तो देख सकते हैं आप, ये तो कम पानी है अभी गाइज, उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी था। और ये गाइज, ये मेरा ही खेत है जिसमें राहड़ का फसल उगाया गया है। तो देख सकते हैं इसी खेत में गाइज, मैं यहाँ पे ये देखिए, इसी खेत में मैं यहाँ पे आऊँगा और इसमें रोपूंगा। रोपने का मतलब नहीं, इसमें पेड़ लगाऊंगा। तो देख सकते हैं, और ये गाइज, ये गुल्लर का पेड़ है गाइज, जो कि सिर्फ वुड के लिए यूज होता है, और इसका फल होता है गाइज, उसके मतलब मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है। तो देख सकते हैं, ये मेरा ही पेड़ है जो कि नदी के बगल में ही है। तो देख सकते हैं गाइज, ये कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा और मोटा मोटा पेड़ होता है पहले वाला, अब तो गाइज छोटा छोटा पेड़ होता है। तो आगे मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो देख सकते हैं, मैं पहुंचने ही वाला हूँ, कुछ दूर पे ही है, तो मैं वहाँ पर जा कर के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइज, मैं यहाँ पर बारी में पहुँच चुका हूँ। और ये गाइज, आपको ये पेड़ देखा देखा लग रहा होगा, ये गाइज ये भिंडी का पौधा है, पेड़ नहीं इसको पौधा बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें छोटा छोटा मतलब आना शुरू हो चुका है, वहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें छोटा छोटा भिंडी आना शुरू हो चुका है गाइज। तो देख सकते हैं आप कि कितना दूर में लगा हुआ है हमारा भिंडी का पौधा, जो कि इसमें अब लगभग 15 दिन में इसमें भिंडी मतलब बड़ा बड़ा हो जाएगा खाने झुकुर। तो दिखाऊंगा मैं, वो पार्ट सेकंड आएगा गाइज, ये तो पार्ट फर्स्ट है, इसमें अभी तो पौधा ही है, इसमें अभी भिंडी नहीं लगा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया दिख रहा है। तो देख सकते हैं गाइज, इसमें आपको ये पिल्लू दिख रहा होगा, इसे भुआ बोलते हैं गाइज, जो कि ज़्यादा डेंजर नहीं होता, डेंजर होता है लेकिन मतलब आप इसको अपने मतलब कुछ किसी भी शरीर से रगड़ा जाएगा तो वहाँ पे घाव बना देता है। तो देख सकते हैं आप कि भिंडी का पौधा कितना बढ़िया दिख रहा है, जो कि ये गाइज ये मेरा खेत में है, मैंने इसको यहाँ पे आकर के रोपा था। और देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो चुका है। और गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाइज ये मेरा ही खेत है जिसमें लगाया हुआ है, बताइए ये क्या चीज़ है? अगर मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि ये क्या चीज़ है, तो ये गाइज है ये राहड़ का फसल है। तो देख सकते हैं राहड़ के फसल के ऊपर मैंने सारा वीडियो बना रखा हूँ, तो अगर वो वीडियो नहीं देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देखेगा। और ये देखिए गाइज, ये अनोखा है गाइज, ये आपको दिख रहा होगा, इसे काशी बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है गाइज, ज़्यादा यूज नहीं होता मतलब ये उग जाता है तो यूज मतलब जो पेड़ पौधे रहते हैं उसको ख़राब कर देता है गाइज। तो देख सकते हैं ये सही नहीं है, लेकिन बहुत जगह उग जाते हैं, तो उसको हटाना भी नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जितना हटाओगे उतना बढ़ता है। तो इसका एक ही उपाय है, इस घास को हटाने के लिए एक ही उपाय है, इसको जेठ मतलब बोलता है गर्मी के सीजन में इसे जला दिया जाता है। लेकिन मैंने जलाया था गाइज इसको, लेकिन ये वापस हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं, अगर जेठ में आएगा मतलब गर्मी में आएगा तो इसको फिर से जला दूंगा। और मैं दिखाता हूँ गाइज, ये तो भिंडी का पौधा हो चुका है, और आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइज, ये परोर का लर है, परोर आप जानते होंगे,
उसका ही लर है गाइज, तो देख सकते हैं आप कितना दूर में फैला हुआ है। ये एक ही लर है गाइज, मतलब एक पौधा का लर है, और देख सकते हैं ये कितना दूर में फैला हुआ है। इसी में परोर फरेगा, अगर परोर फरेगा गाइज तो मैं दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखेगा। और देख सकते हैं इसमें फूल आना भी शुरू हो चुके हैं। ये तो इसमें अभी बहुत बड़ा बड़ा फूल होगा, जो कि अभी सही से नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं गाइज, ये इसमें से फूल निकलेगा गाइज, और फूल निकलने के बाद इसमें से फिर सब्जी उगेगा, जो कि परोर का सब्जी उगेगा। तो देख सकते हैं गाइज, इसका जड़ मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है। तो गाइज वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जड़ है गाइज इसका, दिखाता हूँ मैं सही से। देख सकते हैं ये इतना छोटा जड़ है, इतना पतला जड़ है गाइज, और देख सकते हैं ये कितना दूर फैल चुका है। इसका यही खासियत होता है गाइज, एक जड़ का कितना दूर फैल चुका है। इसमें अभी गाइज इसमें मतलब सही से अभी नहीं हुआ है गाइज, ये तो और दूर में फैलेगा, तो देख सकते हैं आप। और शाम का समय हो चुका है गाइज अभी। कल गाइज मैंने इसी समय आने की कोशिश किया था, लेकिन बारिश होने के कारण मैं यहाँ पे कल, ये वीडियो कल ही आता गाइज, लेकिन बता देता हूँ कि कल बारिश होने के कारण मैं नहीं आ पाया था। और ये देखिए गाइज, इसमें एक खराब भी हुआ होती है, ये देखिए, इसे बोलते हैं परोर। आप अगर आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं गाइज, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करें इसको क्या बोलते हैं। ये तो अभी बच्चा है गाइज, ये बहुत बड़ा होगा अभी, तो दिखाऊंगा कितना बड़ा बड़ा होता है। तो आप इसे मार्केट से लेते होंगे, और देख सकते हैं गाइज इसका जड़ कैसा है। यहाँ पे इतना बड़ा जड़ है, और देख सकते हैं कितना दूर में फैल चुका है। और आपको ये दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं बम्बू गाइज। बम्बू के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा हूँ, तो बम्बू का अलान दिया जाता है ताकि इस पे लर को चढ़ने में आसान हो। तो देख सकते हैं आप गाइज यहाँ पे, और ये गाइज मेरा लोहा कुमार पे मूवी देख रहा है गाइज, पता नहीं कौन सा मूवी दिखा रहा है। और देख सकते हैं गाइज इसमें फूल भी आया हुआ है, ये देखें, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत फूल दिख रहा है गाइज। इसी फूल से सब्जी बन जाएगा गाइज, सब्जी वो परोर का सब्जी, परोर का मतलब परोर हो जाएगा गाइज, सब्जी नहीं बनेगा, सब्जी तो घर पे बनाया जाता है। तो देख सकते हैं गाइज ये कितना खूबसूरत दिख रहा है सनलाइट पड़ने पर। और गाइज मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेन देता हूँ। इसे बोलते हैं हरदी गाइज, जो कि आप हर चीज में यूज करते हैं, आप किचन में यूज करते होंगे हरदी, हरदी आप जानते हो। तो देख सकते हैं इसका हरदी का ये पौधा है, मैं इसके ऊपर कल पूरा फुल डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसा कैसा होता है। तो कल हरदी के ऊपर वीडियो आएगा, तो देख लीजिएगा। और ये गाइज ये आम का फल है, आम का पेड़ है, फल नहीं है, पेड़ है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हमारे गाँव में आम का पेड़ है। और गाइज पेड़ लगाइए और ऑक्सीजन को बढ़ाइए, ताकि पेड़ तो अभी गाइज बड़ा बड़ा नहीं हो रहा है, देख सकते हैं ये लगभग मैं इसे जन्म से देख रहा हूँ गाइज, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो इतना पुराना पुराना पेड़ है हमारे गांव में गाइज, देख सकते हैं आप। और ये गाइज देख सकते हैं यहाँ पे कितना दूर है भिंडी का फैला हुआ। तो देख सकते हैं गाइज इसमें सही से दिखेगा कि भिंडी कैसा फरा हुआ है, अभी छोटा सा है, तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया भिंडी दिख रहा है गाइज, जो कि ये लगभग ये 5 दिन में बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं दिखाऊंगा। और देख सकते हैं गाइज अभी शायद बारिश होगा आज रात को, लग रहा है हमको होगा, तो दिक्कत नहीं है, तो रात को होगा गाइज, दिन को पानी मारता है तो वीडियो आने में लेट होता है गाइज, हमको बनाने इस समय खाली पानी नहीं मारे। और गाइज मैंने मक्का के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा हूँ, तो देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा मक्का हो चुका है हमारे खेत के बगल में ही है। हमारा खेत नहीं है गाइज, ये हमारा खेत है इधर, जिसमें सब्जी बारी है गाइज, बारी का मतलब जिसमें सब्जी उगाया जाता है, तो देख सकते हैं आप। और गाइज बहुत ही ज़्यादा ठंडा हवा चल रहा है, एयर बहुत ही ज़्यादा कूल एयर चल रहा है गाइज अभी, तो देख सकते हैं गाइज। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही, मैंने बारी के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, ये पार्ट फर्स्ट है गाइज, पार्ट सेकंड आएगा लगभग लगभग 10 या 15 दिन के अंदर आएगा पार्ट सेकंड। तो अगर पार्ट सेकंड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे कर दें, और गाइज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए।
ताकि हम आपके कमेंट को देख करके रिप्लाई देते हैं हर एक कमेंट को गाइज, तो ज़रूर कमेंट किया करिए। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही, हमारा दोस्त लोहा कुमार वहाँ पे मूवी देख रहा है तो उसका ही लगाऊंगा थंबनेल में आज पिक्चर, उसका हर थंबनेल में उसका ही लगाता हूँ। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास जरूर से जरूर पहुँचे। आज मैंने बारिक के ऊपर पूरा वीडियो बना दिया हूँ और इसका पार्ट सेकेंड आएगा 15 दिन बाद, तो वीडियो जरूर देखिएगा। तो लॉकडाउन में घर पर रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।